हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने बायो मॉलिक्यूल्स अपना स्टार्ट किया था, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल का फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ लिया है, लेक्चर वन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर सेवन, ठीक है। लेक्चर नंबर वन में हमने क्या डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर वन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने उसको क्लासीफाई किया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फर्दर हम अब जनरल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, एक ओल्ड डेफिनेशन, ठीक है। ओल्ड डेफिनेशन जो CH2O की फॉर्म में एग्जैक्टली फिट होते थे वो उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते थे, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। ये हमारे क्या थे, ओल्ड डेफिनेशन। और बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स मिले जिनको फॉर्मूला में एग्जैक्टली नहीं आ रहा था, बट फिर भी दे आर कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कुछ ऐसे भी मिले जो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले पे एप्लीकेबल हो रहा था, उनका मॉल तो समझा एग्जैक्टली CH2Y के अकॉर्डिंग था, बट स्टिल दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो फिर हमने अब साइंटिस्ट को लगा कि ये तो डेफिनेशन गड़बड़ है, क्योंकि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई डेफिनेशन किसी कार्बोहाइड्रेट्स की बताए और अनदर कार्बोहाइड्रेट्स को उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, ठीक है। तो उसको क्या होगा, फिर डेफिनेशन को चेंज किया गया, नई डेफिनेशन लाई गई। नई डेफिनेशन में क्या हुआ कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई। फर्स्ट कंडीशन क्या लगा दी गई, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट या मोर देन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन में पॉलीहाइड्रोक्सिल कंपाउंड होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, इसे जाओसम मस्ट, ठीक है। या फिर आपको ऑन हाइड्रोलिसिस कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, आपको हाइड्रोलिसिस पे अगर एल्डिहाइड या कीटोन गिवन दे, मतलब एज ए प्रोडक्ट, तो उसको हम मान सकते हैं। थर्ड एक और कंडीशन लगाई गई कि मिनिमम वन कैरल शुड बी प्रेजेंट, वन कैरल कार्बन, वन कैरल कार्बन प्रेजेंट, ठीक है। ये थी हमारी कुछ बेसिक कंडीशंस जिनके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन किए थे ऑफ आवर न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनके बेसिस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की। हमने तीन चीज़ें पढ़ी क्लासिफिकेशन, एक तो हम इसको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, मोनोसैकेराइड्स आर दोज विच कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इन अनदर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे पी ग्लूकोज हमने पढ़ा, फ्रुक्टोज पढ़ा, राइबोज पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स में वो होते हैं जो आपको 2 to 10 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस रिवील करते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स वो होते थे जो आपको 2 to 10 मॉलिक्यूल्स गिवन करते थे ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसलिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था डाइसैकेराइड, ठीक है। इन ओलिगोसैकेराइड्स भी डिपेंडिंग ऑन दैट कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं जो आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, हम फर्दर इसकी नेमिंग करते हैं एज डाइसैकेराइड, ठीक है। ट्राइसैकेराइड यहाँ पर गिवन दिए, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब पेंटासैकेराइड्स आ जाएंगे, फिर हेक्सा आ जाएगा, फिर हेक्टा आ जाएगा, ठीक है। अब जो नंबर अगर सेवन आ गया तो हेक्टासैकेराइड्स हो जाएगा, ठीक है, हेक्टासैकेराइड्स हो जाएगा। और 8 आ गया तो ऑक्टासैकेराइड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी थी। उसके बाद हमने देखा कि पॉलीसैकेराइड्स किसे हम बोलते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स में हमने देखा कि जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ 1000 मतलब 100 to 1000, ठीक है, 10,000 तक के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। उस तरह के मॉलिक्यूल को पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिले।
उसके बाद हमने लास्ट में जाते जाते डिस्कस किया कि हम रिड्यूसिंग सुगर किसे बोलते हैं और पॉलीसेकेराइड्स आर व्हाई नॉट व्हाई वी कॉल देम एज अ नॉन सुगर। ठीक है, हमने बात किया था कि जो पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन सुगर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि रिड्यूसिंग शुगर किसे बोलते हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स में आल्सो बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट सॉल्यूशन, ठीक है, आर रेफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर। ऑल मोनोसेकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। अब ये एल्डोज कीटोज क्या है, आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमारी जो कॉन्फिगरेशन अगेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड को हम अभी क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन सा तरीका है हमारा। तो एक है हमारा तरीका बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मान लीजिए कोई मोनोसेकेराइड आपको गिवन है, अब उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वेदर इट कंटेन एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, दो ही ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या तो कीटोन होगा या तो एल्डिहाइड होगा। और जो हम नेक्स्ट करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, उस मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, जैसे हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे, या फ्रुक्टोज की बात कर रहे थे, तो C6 हम लिखते हैं। ग्लूकोज में क्या लिखते हैं, C6H12O6, तो उसमें क्या होता है, 6 कार्बन होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर ऑफ कार्बन हम उसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, जब हम फर्दर इनको क्लासीफाई करते हैं तो मान लीजिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड निकला तो उसको एल्डोज बोलेंगे। ठीक है, जो अभी अभी आपको एक वर्ड मिला था एल्डोज, दैट इज दिस, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोज बोलेंगे। और अगर वही फंक्शनल ग्रुप आप कीटोन निकला तो उसको हम कीटोज बोलेंगे। ठीक है, अगर एल्डिहाइड निकला तो एल्डोज, कीटोन निकला तो कीटोज। ठीक, और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन को अगर हम देखें तो तीन अगर नंबर ऑफ कार्बन हुए, अगर तीन नंबर ऑफ कार्बन हुए तो उन्हें हम ट्रायोज बोलेंगे। ठीक है, हम उन्हें ट्रायोज बोलेंगे या फिर हम उसे ट्रोपोज भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें क्योंकि ये इस बार आपका MCQ पेपर होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अगर चार कार्बन है उसे हम टेट्रोस बोलेंगे। ठीक है, अगर पांच हुए तो अब तक वो आइडिया लगी गया होगा, यस पेंटोज बोलेंगे। अगर सिक्स हुआ तो हेक्सोस बोलेंगे।
है, इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले देता हूँ आपको, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स करा देता हूँ एंड फर्दर आपको करना होगा। लेट्स से बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेट्स से दिस इज सी एच ओ, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ओ एच, दिस इज सी एच टू ओ एच। ठीक है, अब बताइए कि आपको अगर ये क्लासिफिकेशन करनी है तो किस तरह से करेंगे कि ये कौन सा मोनोसैकेराइड है। ये तो मोनोसैकेराइड है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि इसकी फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस वी डोंट गेट एनी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, तो हम तो एल्डोज लिख देंगे। ठीक है, तो आप एल्डोज में लिखेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम सिर्फ नहीं लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो होगा दैट विल बी एल्डो। ठीक है, एल्डिहाइड है तो एल्डो, फिर वन टू एंड थ्री, तीन कार्बन है तो ट्रायोन, ये हो जाएगी इस कार्बोहाइड्रेट की नेमिंग। ये आसान सा, आपको इतना ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो लेट्स से दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, ये आपका है सी एच ओ, दिस इज योर एच ओ एच ओ एच एच, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड बिलो दिस इज सी एच टू ओ एच। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपको कंपाउंड गिवन है ना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, एल्डो ट्राइओज है, पेंटोज है, हेक्सोज है, क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, दैट इज एल्डिहाइड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एल्डो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, पांच नंबर ऑफ कार्बन है तो क्या बनेगा, पेंटोज, इसको हम एल्डो पेंटोज बोलेंगे। ठीक है, आपको इसको रिवर्स बनाने भी आना चाहिए। मान लीजिए आपको गिवन हो गया कंपाउंड, आपको मान लीजिए बनाना है कि एल्डो हेक्सोस की स्ट्रक्चर क्या होगी। मान लीजिए यही एग्जाम में आ गया कि एल्डो हेक्सोस की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल पीछे पढ़ते हैं ना एग्जैक्टली वैसे उस तरह का है। ठीक है, अगर हम एल्डो हेक्सोस की बात करें तो और कुछ तो गिवन है नहीं। ठीक है, तो एल्डो हेक्सोस के लिए आपको छह कार्बन बनाने होंगे क्योंकि क्या है, ये हेक्सोस है एंड दिस इज एल्डो, एल्डो मतलब एल्डिहाइड तो आप लगा ही दें और सबसे बिलो सी एच टू ओ एच भी लगा दें। ठीक है, दो कार्बन तो हो गए, चार कार्बन बीच में आ जाएंगे, दिस इज वन टू थ्री फोर, और टोटल छः कार्बन हो गए। अब आप ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एन इस तरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस, एक क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। ये क्या है, एल्डो है, एल्डिहाइड हो तो हम एल्डो यूज करेंगे। ठीक है, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये कार्बन है तो हेक्सो, मतलब आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाया। ठीक है, तो अब जो हम एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है इस तरह के क्वेश्चन। ये आपका मान लीजिए सी एच टू ओ एच है, सी ओ है। ठीक है, बताएं कि ये इसकी नेमिंग क्या होगी। हम स्टार्ट करें, देखते फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड तो नहीं है, ये कौन सा ग्रुप है बता, कीटोन, कीटोन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कीटो, कीटोन है तो कीटो,
है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह कार्बन है तो C2H2 जैसे दियो हाँ तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें भी आप DL कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कैपिटल डी कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन करा था अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कैपिटल डी एंड कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए भी यूज कर सकते हो ठीक है। आप अगर इसमें DL कॉन्फ़िगरेशन को भी इंक्लूड करना चाहें तो इसको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज D और L, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एकदम बिलो है वो किस साइड है, राइट साइड है। तो मैंने आपको बताया था कि L मतलब लेफ्ट होगा, अगर लेफ्ट में होगा तो L होगा और D तब होगा जब वो राइट में होगा ठीक है। ये हमारा किधर है, राइट साइड है, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड है देखिए D की जो हेट्रो ठीक है, इसको आप D की जो हेट्रो लिख सकते। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपको खुद से करना ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर बनानी है जिसकी L पेंटोज की आप बना दें ठीक है, L आपको स्ट्रक्चर बनानी है L एल्डो पेंटोज ठीक है। डिस्पल वाली बात तो नहीं है, आइए डिस्कस करते हैं। एल्डो पेंटोज बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्डिहाइड तो सबसे ऊपर लगाइए ने, क्योंकि क्या है एल्डो है, और सबसे ग्रुप पे लगा दें नीचे CH2OH। अब इससे दो कार्बन तो हमारा आ गया 1, 2, अब हमें बीच में कितने कार्बन लगाने होंगे, 3 ठीक है, तो 3 कार्बन लगा दें 1, 2 एंड 3 कोई तो बात नहीं। अब हमें क्या लेना है, हमें लेना है एल्डो पेंटोज और वो भी एल वाली ठीक है, एल मतलब लेफ्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, तो आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में लेंगे, दिस इज ओ एच दिस इज एच ठीक है, आप फर्दर ओ एच 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 एंड ओ एच लिख सकते हैं ठीक है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन ये एल है लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा एल एल्डो एल्डो ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए आपको एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है ठीक है। तो इस तरह से आप एल्डो पेंटोज एल्डो हेप्टोज जितने भी कॉन्फ़िगरेशन से आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लें, जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए उसको वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन कर लें ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लें, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि इसे की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप जब भी रिवाइज करेंगे तो ये चार्ट जो है आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाना चाहिए कि अच्छा फंक्शन लूप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे एंड देखेंगे उसके बाद बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, अगर 3 हुए तो ट्रायोड टेट्रापोड ठीक है, और अगर 6 हुए तो हेप्टोड, इस तरह से इसी क्लासिफिकेशन होते हैं ठीक है। यही बात यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर NCERT में एक टेबल का फॉर्म में गिवन है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ठीक है, ट्रायोज टेट्रोज पेंटोज हेप्टोज हेप्टोज ठीक है, और 8 कार्बन होगा तो ऑक्टोज लिख दीजिए ठीक है, और एल्डिहाइड होगा तो एल्डो लग जाएगा, और कीटोन होगा तो कीटो लग जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है ठीक। अब देखते हैं ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के बारे में हमें क्या जानना है, आइए डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज ऑफर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म ठीक है, नेचर में ये फ्रीली भी है और कंबाइंड फॉर्म में भी है, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फूड एंड हनी ठीक है, आप इसको स्वीट फूड्स होते हैं एंड हनी जो होती है राइट ग्रेप्स है, ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज, बेसिकली इसकी हम प्रिपरेशन ऑफ पढ़ने जा रहे हैं ठीक है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज मतलब केन शुगर ठीक है, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट,
इस पॉइंट को आप बड़े ही ध्यान से याद रखेंगे, भूलने वाली कोई बात ना हो इसमें। देखिए अब जो प्रिपरेशन के क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो थ्योरी आ रही है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको स्टार मार्क लगा लें और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लें, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली इन बोर्ड, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको दे देगा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज कर रहे हैं, बताइए कि वन आपको जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑब्टेन होंगे, ठीक है, या ग्लूकोज या माल्टोज होगा, ठीक है, और फ्रुक्टोज या माल्टोज होगा, और भी फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज होगा, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन इस तरह दे देगा। तो आपको पता होगा कि नहीं सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है, तो आप उसका आंसर कर देंगे। अब मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन में आया, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि सुक्रोज और फ्रुक्टोज तो मिला, सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको ग्लूकोज या फ्रुक्टोज तो मिला, चलो ठीक है, मान लें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, किस रेशियो में मिलता है, 1:1 रेशियो में, मतलब 50% होता है, या 1:2 रेशियो में, मतलब ग्लूकोज 33% आता है और ये 66.66% कह रहा हूँ, या 1:4 1:3 की रेशियो में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये आपको सिर्फ इन्हीं लाइनों से पता चलता है। देखिए यहाँ क्या है, ऑप्टेनिंग इक्वल अमाउंट होती है, मतलब 1:1 जो होती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी की लाइनिंग नहीं पता होगी तो आप फिर इन आंसर को क्या करेंगे, या तो छोड़ के आएंगे या तो गलत करके आएंगे, ठीक है। इसलिए ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। जैसा कि हमने सुक्रोज देखा, C12 H22 O11, इसकी मोलर मास कितनी होती है, आपने इसे बहुत बार यूज किया है इसमें, इस चैप्टर में। और इसके मोलर मास की बात करें, दैट इज 342 ग्राम पर, आपने इसे बहुत ज़्यादा यूज किया है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर आपको याद होता सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे मोलर मास की आपको याद होगा, हम मोलर मास की बात नहीं करने आए, आइए देखते हैं। तो क्या है हमारा C12H22O11 ऑन हाइड्रोलिसिस। H प्लस का क्या मतलब है, H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम, या तो कोई एक एसिड हो HCl हो या H2SO4 हो, ठीक है, बेसिक मीडियम नहीं। H प्लस का मतलब ही होता है कि आपको मीडियम जो है एसिडिक हो। तो ये जो होता है C6H12O6 दो यूनिट्स में ब्रेक हो जाता है, बट ये दोनों ही सेम नहीं होते हैं, बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। आप इन दोनों से किसी एक को ग्लूकोज बोल दें, ठीक है, लेट्स से दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रुक्टोज, स्ट्रक्चर मैंने बताई था ही आपको, इसकी रिएक्टिविटी भी अभी हम देखेंगे, ग्लूकोज किस तरह से रिएक्ट करता है और फ्रुक्टोज किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से हम उन्हें आइसोमर्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और मैं इन दोनों के आइसोमर्स की बात करूं तो कौन सा आइसोमर्स है, दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड है और इसमें कीटोन है, ये कौन से आइसोमर है, ये फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। तो ये थी मनी प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रुप, ये सॉरी सुक्रोज, ठीक है। आप इतना याद रखेंगे सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस सब बेसिक मीडियम में करते हैं, लाइक HCl एंड HNO3 या H2SO4, ठीक है। तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, एक सुक्रोज की जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट में, एक होता है आपका ग्लूकोज और दूसरा आपका होता है सुक्रोज, ठीक है। इस बात को आप चार्ट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फॉर्म स्टार्च,
अब इसकी स्ट्रक्चर भी अभी हमारे सिलेबस में है, अभी हम देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर भी स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम स्टार्च की बात करें तो कॉमर्शली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद अगेन डाइल्यूट H2SO4 एट 396 केल्विन अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर ठीक है, मतलब नॉर्मली प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 to 3 ATM है। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, इसीलिए देखिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर जनरल N लगा दिया गया। ठीक है, और इसकी अच्छी बात ये है कि जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, एन टाइम्स में आपका ये हो जाएगा स्टार्च का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि सिंस ये एन टाइम्स है तो एन टाइम्स आपको C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज, अभी हमने ये एल्डो एंड कीटो को देखे क्लासिफिकेशन किस तरह से होते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मेनली स्टार्च सेलुलोज। ठीक है, अब आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी पढ़ के बनाने आना चाहिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस तरह से ये आपके बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, कि जो मेन मोनोमर है, मेन मोनोमर ऑफ स्टार्च इज, ठीक है, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज, ठीक है, ऑप्शन सी लेट्स से दिस इज फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी नॉट, नॉट का मतलब होता है नॉन ऑफ फ्रुक्टोज। ठीक है, तो आपको ये जब एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइनिंग याद आएगी तो आपको पता होगा सिर्फ ग्लूकोज ही मिलता है। मेन मोनोमर हम किसे बोलते हैं, मोनोमर वो होते हैं कि जो छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर एक बहुत बड़ी जो कंपाउंड बनती है, ठीक है, उसी को हम कंपाउंड का मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, मोनोमर हम उसे बोलते हैं जैसे छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या एटम्स जिसे हम बोलते हैं, और उन्हीं से क्या बनती है, एटम्स से फिर आपको आयंस क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम मोनोमर समझते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स आप जो भी कह लें, ठीक है, छोटे छोटे साइज होते हैं जो एक ही साथ मिलकर बहुत सारे नंबर्स में जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, और जब उसी कंपाउंड को आप किसी वजह से मान लीजिए किसी तरह से आप उसको ब्रेक करते हैं तो आपको अगेन मोनोमर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ में ऑप्टेन होता है। ठीक है, सिमिलरली सेल्यूलोज का भी ये बहुत बढ़िया क्या है, मोनोमर है। ठीक है, मेन मोनोमर है, इट इज प्रोबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, इट वॉज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। देखिए अब इसकी क्या बात है कि अब किसी भी अगर हम C6H12O6 लिखते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये C6H12 ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, दिस इज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इसके लिए बहुत सारे रिएक्शंस कराए गए, ठीक है, जो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इट्स मॉलिक्यूल फॉर्मूला इज दिस बट ऑल्सो कंफ्यूजिंग क्योंकि इसका ग्लूकोज का भी यही है फ्रुक्टोज का भी यही है। अगर हम सेकेंड पॉइंट को देखें तो ये देखिए पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार जेई मेंस में पूछा भी गया था, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का जेई मेंस। उसमें क्या था कि ऑन कोलॉन्स हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म्स NHN, बट उसमें क्या क्वेश्चन था कि उसमें क्वेश्चन था कि आप किसी भी ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है।
एनहेक्सेन आपका करेक्ट आंसर था उसमें. So it forms an hexane, suggesting that all the six carbon atoms are linked in straight chain. ठीक है, तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, how we know that the all carbons in glucose are in a straight chain. ठीक है, आप जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज का, आप हमेशा उसको एक स्ट्रेट लाइन में ही, स्ट्रेट चेन में ही रखते हैं. ऐसा क्यों है? फिर कुछ तो ऐसा होगा, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ही लाइन में? उसका रीजन यही है. ठीक है, आपको स्ट्रक्चर तो याद हो ही गया होगा इसका. ठीक है, थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल हमेशा लेफ्ट साइड होगा. ठीक है, और बाकी सब में राइट साइड होगा. ठीक है, इसमें क्या है, सभी एक लाइन से हैं, और आप इसकी जब हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको एन हेक्सेन मिलता है. 1, 2, 3, 4, 5 This is your N hexane. बात समझ गई? तो ये थी हमारी, इस तरह से हमें पता चलता है कि जो हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज ऑल स्ट्रेट चेन. इससे तो ये पता चला. अब सेकेंड का पता है, ग्लूकोज रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन. हाइड्रोक्सिल अमाइन हम किसे बोलते हैं? अमाइन हम एनएच3 को बोलते हैं, अमाइन. ठीक है, अब इस एक हाइड्रोजन के जगह अगर OH को लगा दें तो ये आपका हाइड्रोक्सिल एमाइन होता है. दिस इज योर हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH. ठीक है, तो ग्लूकोज रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइन. ठीक है, एंड एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन. ठीक है, दीज रिएक्शन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. देखिए, अब HCN से क्या होता है कि HCN से एडिशन रिएक्शन होती है. ठीक है, और यही दो रिएक्शन ऐसी हैं जो इस बात को कंफर्म कर देती है कि सिर्फ एक ही कार्बोनिल कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है, एंड दैट इज एल्डिहाइड. वी नो दैट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे ऊपर क्या होगा आपका CHO, हाइड्रोजन OH, OH, NH, फिर अगेन आपकी सारी चीज़ें क्या होंगी, राइट साइड में आ जाएंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप सभी, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन, और सबसे पहले आपका CH2OH आएगा. ठीक है, ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है. अगर मैं इस एल्डिहाइड को ऐसा ना बनाकर ओपन स्ट्रक्चर बनाऊँ लाइक दिस, ठीक है, तो हमें कैसे पता चला कि इसी कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो हमें ये पता चला ऑन रिएक्शन भी. जब हम रिएक्शन इसी कराते हैं किससे, हाइड्रोक्सिल एमाइन से. ठीक है, NH2OH. जब आप हाइड्रोक्सिल एमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है. ठीक है, कुछ इस तरह से, और आपको प्रोडक्ट मिलता है CH डबल बॉन्ड एंड OH. ठीक है, बाकी सारे चीजें एग्जैक्टली सेम होती हैं, इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, तो हम आप इसको एग्जैक्टली सेम लिखते हैं. तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमाइन. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं. तो इसे हम, इस कंपाउंड को ऑक्साइम बोलते हैं, इसलिए इसमें बोला गया था कि ऑक्साइम की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सिमिलरली ये तो एक हो गई, दूसरी रिएक्शन और कराएगी. उस रिएक्शन में क्या हुआ कि हमने हाइड्रोक्सिल एमाइन नहीं लिया, उसमें हमने HCN लिया. HCN एक एडिशन रिएक्शन शुरू करता है डबल बॉन्ड पे. ठीक है, एडिशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, डबल बॉन्ड पे ही होता है.
तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, एसिटोन ग्लूकोज। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, फिर से एच सी एन एच प्लस सी एन माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है कार्बन की, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, इसके पास डेल नेगेटिव, ठीक है। तो ये एच प्लस प्लस वाला नेगेटिव के पास जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, और इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये एक ईजी तरीका है आपको याद रखने का। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा सी एच, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा ओ एच, और यहाँ पर आ जाएगा सी एन, साइनाइड ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर एच ओ एच ओ एच एच, बाकी आप सारे ओ एच को राइट पर लगा दें, एंड सबसे बिलो सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो सीन सी एडिशन रिएक्शन शो करता है एच सी एन से एंड हाइड्रोक्सिल एमाइन से, तो इस तरह से ये कन्फर्म हुआ कि नहीं, ये तो मस्ट बी हैव अ कैरल, सॉरी नॉट कैरल, अ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसके पास कार्बोनिल कंपाउंड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई कर लिया इसको कि चलो एक कार्बोनिल कंपाउंड भी हो गया, ठीक है। और हमने ये भी चेक कर लिया कि स्ट्रेट लाइन में है, तो दो चीज़ें कन्फर्म होंगी कि एक तो स्ट्रेट चेन में है और एक ये कि एक कार्बोनिल ग्रुप भी है, ठीक है। अब जो सेकंड आती है दैट इज दिस, कि हमें ये कैसे पता चला कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि अभी अभी जो मैंने रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन एंड साइनाइड से कराई HCN से, कार्बोनिल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही शो करते हैं, तो हमें कैसे पता चला कि ये एल्डिहाइड ही है, उसके लिए अगेन एक रिएक्शन कराई गई, ठीक है। हम फिर इसकी रिएक्शन कराएं इससे, आइए देखते हैं, हम इसकी फर्दर रिएक्शन कराएं ब्रोमीन वाटर से, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज ग्लूकोनिक एसिड, आप इसे ग्लूकोनिक एसिड लिखते हैं, उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर आप Br2H2O को बोलते हैं, ठीक है। आपको अगर डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर ना लिखते, रिसर्च से भी लिखा हुआ हो एरो के ऊपर, तो आपको प्रोडक्ट ग्लूकोनिक एसिड ही बनाना, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगी, आपको कहाँ होगा, बस जो ये एल्डिहाइड है ब्रोमीन वाटर की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट एक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड में, ठीक है, बात समझ में आई। अरे तो पीछे इरेज कर देता हूँ, अब ये स्ट्रक्चर काम आएगा हमारे, तो ये भी हमें कंफर्म हो गया कि मतलब अब ये ब्रोमीन वाटर की आप जो देखें ये कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होते हैं, इसलिए हमें ये पता चल गया कि ये एल्डिहाइड ग्रुप ही है, ठीक है। आप अगर किसी कीटोन के रिएक्शन आप कराते हैं, लेट्स से CH3CO CH3, आप इसकी अगर रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो आपको एसिड नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एल्डिहाइड है, इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, ठीक है, कि आपको जो मान लीजिए प्रैक्टिकल में लेबोरेटरी में है आप, ठीक है, और आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आपको मॉलिक्यूल फॉर्मूला पता है कि वो 3,6H12 है, ठीक है, तो आपको अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, उसको चेक करना है कि दिस इज वेदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो आप इसको डायरेक्टली ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करा दीजिए, ग्लूकोनिक एसिड अगर बनता है, ठीक है,
आपका वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा, अदरवाइज फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, हमने चलो ये भी पता लगाते हैं। ठीक है, हमने अभी अभी क्या पता लगा लिया कि स्ट्रेट चेन में होता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन के बाद हमने पता लगाया कि इसके अंदर एक कार्बोनिक ग्रुप भी होता है। ठीक है, कार्बोनिक ग्रुप को भी अब हमने कन्फ्यूजन हुआ तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ठीक है, उसके लिए हमने टेस्ट करा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा तो वी गेट ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि वो तो होगा ही होगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज दिस, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पांच हैं, पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, ये कैसे पता चला? इसके लिए भी एक रिएक्शन करा के एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं बताता हूँ, सी एच थ्री सी ओ ओ सी ओ सी एच, इसको हम बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब जब फर्दर एसिडिक एनहाइड्राइड से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो जितने भी OH हैं, ठीक है, यहाँ पर OH है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हाइड्रोजन निकल के C, आपको मैं बता देता हूँ रिएक्शन करा कर निकाल देता हूँ, ऐसे रिएक्शन करा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई भी अल्कोहल होता है आर ओ एच, इसके पास क्या है लोन पेयर है ऑक्सीजन को, आपने इसकी रिएक्शन कराई CH3CO OCO3H, ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है, हर एक अल्कोहल के लिए, इसे मैंने एक जनरल अल्कोहल भी ले लिया। तो आप अगर देखते हैं तो इसमें ये भी ऑक्सीजन लिंक है, ये भी ऑक्सीजन लिंक है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये डेल नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी डेल नेगेटिव चार्ज होगा, और क्योंकि दो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का खींचने वाले तो इस पर स्ट्रॉन्ग डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इसके पास क्या लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट करता है। ठीक है, ये जैसे डोनेट करता है ये पाई बॉन्ड टूटता है, फिर से रिफॉर्म हो जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है। अभी क्या क्या बोला समझ में, ये ऑक्सीजन इसका क्या लोन पेयर इसको डोनेट करता है क्योंकि इसको हाइपोवैलेंट बना दिए, दो दो ऑक्सीजन लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहे हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एंड सिंस ये डोनेट कर सकता है तो इसने डोनेट किया। ठीक है, अब ये जैसे ही डोनेट किया ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर चला गया। ठीक है, ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर चला गया, लेकिन फर्दर इसका रिपल्शन की वजह से ये वापस पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ से जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है सब यहाँ से निकल गए इमीडिएटली। ठीक है, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाता है कि आर ओ एस, ये डोनर है तो इस पर प्लस चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर सी ओ सी एच थ्री बन जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन पर जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है या तो वो एस टी ओ के फॉर्म में निकल जाता है, या तो एस टी ओ फॉर्म में नहीं निकल सकता तो वो हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रॉन कॉर्ड को खींच लेता है, तो माइनस एच प्लस कर देता है, तो आर ओ सी ओ सी एच एस्टर आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप समझ गए, तो सिमिलर तरह की रिएक्शन होती है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, सिमिलर तरह की रिएक्शन होती है उन पांचों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ ग्लूकोज में। ठीक है, अब इसको इरेज कर सकता हूँ मैं, चलिए। ठीक है, ये देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं सब में क्या हो जाता है, सब में हाइड्रोजन हटकर ओ सी ओ सी एच थ्री लग जाता है और सभी एस्टर बन जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगी, आप चाहें तो इसको खुद से रिएक्शन करा भी सकते हैं। ठीक है, सिंगली यहाँ पर भी बी ओ सी एच थ्री लग जाए। ठीक है, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव
अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ठीक है पांचों ने रिएक्शन कर लिया, ठीक है आइए देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फाइव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे पांचों ने रिएक्शन कर लिया ठीक है तो पेंटा एसिटेट आपको मिलता है तो पेंटा एसिटेट बोलते हैं। ठीक है ग्लूकोज पेंटा ऑक्सिड तो बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ठीक है विथ फाइव मतलब ये जो कंफर्म कर लेता है कि इस मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड के केस में पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है तो हमें अभी क्या क्या पता चला, हमने ये पता लगाया इनिशियली हमने इनिशियली पता लगा लिया कि स्ट्रेट चेन में है। ठीक है सभी मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट चेन में है ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड, आप इस तरह से याद रखते हैं। ठीक है स्ट्रेट चेन कैसे पता चला, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराने के बाद, क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या मिला एन हेक्सेन मिला। ठीक है नॉर्मल हेक्सेन भी हमने पता लगाया कार्बोनिल के लिए, कार्बोनिल के लिए हम रिएक्शन कराए किससे हाइड्रोक्सिल एनायन से दैट इज NH2OH एंड HCN से। ठीक है फिर जब हमने कार्बोनिल कंपाउंड को पता लगा लिया तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि अभी ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसके लिए हमने रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर से। ठीक है तो ग्लूकोज जो था हमारा वो फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड कन्वर्ट हो गया। ठीक है उसके बाद हमने कैसे पता लगाया इसमें पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसके लिए हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई। ठीक है CH3CO, CO, CH3 जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ से पता चल गया पांच मोल रिएक्ट किए। ठीक है इससे मतलब पांच ही मोल हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है प्रेजेंट, समझ नहीं आया सब। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।